हेलो, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आज दीदी कहाँ आई हुई हैं, तो मैं आई हुई हूँ आज बैंक। मैंने पता है फरवरी और मार्च में ना, फरवरी या मार्च के बीच में मैंने बैंक में अकाउंट खुलवाया था, तो उस अकाउंट का मेरा कुछ अता पता नहीं हो रहा है, तो आज मैं उसी का अता पता करने के लिए आई थी। और यहाँ पे मैं अपना कुछ काम करवाने के लिए आई थी, वो भी मेरा काम आधा अधूरा हुआ है, अभी पूरा काम नहीं हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद मेरी जो यूट्यूब की पेमेंट है आ गई हो, तो बैंक के जो काम नहीं हुआ है इसी वजह से अटक रही हो, तो इसी वजह से मैं यहाँ बैंक का काम करवाने के लिए आई थी। तो मैं यहाँ पे अपना बैंक का काम करवा रही थी, और अभी तो देखो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं सुबह 10 बजे की आई हुई हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रही थी तब बज रहे थे 12:30। मेरा नंबर नहीं आया था, अभी अंदर एंट्री होगी, उसके बाद अंदर देखो कितनी लाइन लगती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी, तो ये देखिए यहाँ पे कितनी सारी भीड़ है। ये तो बहुत कम लोग हैं, इससे कई ज़्यादा लोग यहाँ से जा चुके हैं, कम से कम नहीं तो मेरे हिसाब से तो 300-400 आदमी होंगे आज। और मेरा तो सर दुखने लग गया था, सर चकरा गया था मेरा बहुत ज़्यादा। मुझे तो ऐसा लग रहा था कल कब जल्दी से मेरा काम हो और मैं घर जाऊँ, कितनी भीड़ हो रही थी, और एक तो गर्मी इतनी हो रही थी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिया रजावत में। सभी को राधे राधे। आज बहुत सारे कपड़े हो गए थे, देखो कितने सारे कपड़े हो रखे हैं, पूरी छत पे कपड़े ही कपड़े पड़े हुए हैं। और पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज फिर से तैयार सी दिख रही हूँ। तो बज रहे हैं दोपहर के 3:30 और मैं अभी अभी बैंक से आई हुई हूँ। तो मैं बैंक में कुछ काम करवाने के लिए गई थी, तो आधा काम हो गया है मेरा और अभी आधा काम मेरा बैंक का रह रहा है। आप देखते हैं, मुझे सच में बैंक में जाके ना तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी। मैं सुबह 10 बजे गई थी आज बैंक, और 10 बजे से लाइन में लगी हुई थी। और मतलब पहले टोकन लिया, फिर टोकन लेने के बाद फिर अंदर गई, फिर अंदर जाके भी लाइन लगी हुई थी, उसके बाद भी आधा काम हुआ है और आधा काम नहीं हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब कल तो नहीं जाऊँगी मैं, क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। सुबह कुछ भी खा के नहीं गई थी, और वहाँ एक तो इतनी धूप, पानी की एक बोतल लेके गई थी वो तो फटाफट से ख़त्म हो गई। फिर मतलब ये लग रहा था कि कहाँ से पानी लूँ, कहाँ से ना लूँ। वहाँ पे बैंक में पानी भी नहीं था और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बस मेरा तो सर चकरा गया है। तो बस थोड़ा सा काम और हो जाए तो देखती हूँ, मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ दूँगी। पहले मैं कुछ श्योर हो जाऊँ तो मैं देखती हूँ, एक दो दिन में फिर से बैंक जाऊँगी, फिर पता करती हूँ। और देखो शायद गुड न्यूज़ है कि नहीं, मैं पहले अपने आप को खुश श्योर करूँ इसलिए। और प्लीज़ मेरी वीडियो आज लेट हो गई है, क्योंकि मैं बैंक से अभी अभी आई हूँ, मैंने वीडियो एडिट भी नहीं कर पाई थी। और परी कह रही थी मम्मी मैं चलूँ, अच्छा हो मैं परी को लेके नहीं गई, नहीं तो आज तो परी की हालत ख़राब हो जाती सच में बहुत ज़्यादा। देखो मेरा मुंह भी कैसा लाल लाल सा हो गया है, मतलब जबकि मैंने अपने आप को पूरा कपड़े से कवर कर रखा था। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी, बहुत ज़्यादा, और सच में इस धूप में जाने का कहीं मन नहीं करता है, लेकिन क्या करूँ, काम करवाना है तो जाना पड़ेगा। और मतलब मैं पहले बार बार कहीं जाती नहीं थी, तो मैं अब कुछ टाइम से मैं सारे काम अकेले करने लगी हूँ, तो मुझे ना थोड़ा सा ना आइडिया नहीं पड़ता है कि किस तरीके से करना है किस तरीके से नहीं करना, तो मेरा काम थोड़ा सा लेट इस वजह से भी हो जाता है। पूछ पूछ के कर लेती हूँ मैं सारे काम, लेकिन बस ये है कि आप लोगों को पता ही है कि जब आपने कभी कोई काम ना किया हो और फिर एकदम से आप कोई काम करो तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है। तो बस अभी थोड़ा सा काम और रह रहा है मेरा, देखती हूँ कल नहीं तो परसों में जाऊँगी, तो देखते हैं पूरा काम मेरा हो जाता है उसके बाद मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ सुनाऊँगी, ठीक है ना? तो देखते हैं कब, ठीक है ना? और ये रहे परी शोरू तब से अकेले थे, मम्मी के पास थे दोनों जने, मम्मी ने खाना बना दिया, इनको खिला दिया। और आज सच में मैं कुछ भी खा के नहीं गई थी, मुझे वहाँ पे ना चक्कर आने लग गए थे इतनी तेज़, मुझे ऐसा लग रहा था मैं कुछ खा लूँ, और पानी भी ख़त्म हो गया था। तो क्या खा रही हो परी, क्या खा रही हो? बिस्कुट खा रही हूँ परी, बिस्कुट खा रही है। आप लोग भी खा लो, मैं भी खा रही हूँ एक बिस्कुट। ये वो कौन सा बिस्कुट है? यम्मी बिस्कुट है, यम्मी यम्मी बिस्कुट। आप लोग भी खा लो, बहुत तेज भूख लगी है। परी ने मुझे खाना ला के दे दिया, मैं खाना खाऊंगी। मैंने कहा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता था कि आप लोग मेरी वीडियो का वेट कर रहे होंगे, तो मैंने कहा चलो
थोड़ा सा वीडियो डाल देती हूँ क्योंकि आप लोग वेट कर रहे होंगे मेरा। पानी ये परी पता है पानी में भिगो भिगो के बिस्कुट खा रही है पानी में भिगो भिगो के खा रही है बिस्कुट। पहले हम छोटे थे ना तो हम पार्ले जी के बिस्कुट पानी में भिगो भिगो के खाते थे। कौन कौन किस किस ने खाए हैं पार्ले जी के बिस्कुट पानी में भिगो भिगो के? मैंने खाए हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते थे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस किस को अच्छे लगते थे। मैं खा रही हूँ खीरा, आप लोग भी खा लो। परी मेरे लिए दो रोटी ले आई है और थोड़ी सी सब्जी ले आई, बस इतना ही खाएगा, मुझसे ज़्यादा नहीं खाएगा। आप थोड़ी देर बाद में ना थोड़ा सा मैंगो शेक वगैरह बनाऊंगी जिससे थोड़ा सा ठंडक ठंडक सी लगे। और आप में से काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी वो आपने चाप की सब्जी, ये चाप क्या होता है? तो आप सोयाबीन खाते हो ना तो ये सोयाबीन जैसे ही होता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता चाप क्या होता है, तो मैं उनको बता रही हूँ कि चाप जैसी सोयाबीन होती है ना वही होता है चाप। मतलब सोयाबीन छोटी छोटी होती है, चाप बड़ी होती है थोड़ी सी, और उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है। चाप कई तरीक़ों की होती है, चाप आटे की भी होती है और एक सोयाबीन वाली चाप होती है, वो ज़्यादा टेस्टी लगती है, आटे वाली चाप टेस्टी नहीं लगती है। और एक मेरी सब्सक्राइबर थी, उन्होंने पूछा था कि दीदी बिगर प्याज के हम चाप कैसे बनाएं? तो बिना प्याज के भी चाप अच्छी बन जाती है। जो लोग प्याज नहीं खाते हैं तो वो लोग मतलब हरी मिर्च हो गई और जो टमाटर हो गया, मतलब उसको उसका पेस्ट बना लेते हैं। और जैसे कि जब आप मसाले वगैरह ऐड करते हैं ना, जब आप जीरा डाल दो उसमें, खड़े मसाले डाल दो और उसके बाद उसमें मतलब दही में ना वो सारे मसाले ऐड कर लो, चाप मसाला, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, उसको ऐड करके और फिर उसको उसमें डाल दो और टमाटर का पेस्ट डाल दो, उसका मसाला बना के ग्रेवी बना के फिर उसमें आप अपनी चाप डाल दो। आप प्याज नहीं खाते हो तो मत डालिए प्याज, ज़रूरी नहीं है कि आप प्याज डालो। तो आप लोग भी खाना खा लो, मैं भी खा लेती हूँ। और मैंने ना आपके बहुत सारे कमेंट पढ़े थे तो मैंने कहा, मैंने ना वो सारे कमेंट ना लिख लिए थे, तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों को ना हर कमेंट का जवाब दूंगी। तो एक मिष्टी शाहू जी हैं, उन्होंने बोला कि दीदी आप सिलाई का चैनल अलग से बनाओ। तो डियर पहले मेरा ये चैनल तो अच्छे से चल जाए तभी तो मैं सिलाई का चैनल अलग से बनाऊँगी। और मेन चीज़ पता है कि मैं व्लॉगिंग, फिर सिलाई के मतलब सिलाई की वीडियोस बनाना, फिर मैं घर पे सिलाई भी करती हूँ, घर पे काम भी होता है तो बहुत सारा काम हो जाता है। इतना काम आप समझ सकते हो, मैं इतना काम नहीं हैंडल कर सकती, बहुत सारा ऑलरेडी काम हो जाता है मुझको, उसी को हैंडल करने में पूरा दिन लग जाता है, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। और मिष्टी शाहू जी बोली दीदी आप कोशिश तो करो, हम आपका सपोर्ट करेंगे। तो हाँ डियर मिष्टी शाहू जी, मैं ज़रूर करूँगी कोशिश, बट थोड़ा सा ये मेरा चैनल अच्छे से ग्रो हो जाए और मैं अपने आप को थोड़ा सा मजबूत और कर लूँ कि मैं दो चैनल एक साथ संभाल सकूँ और फिर घर संभालना, फिर स्टिचिंग भी करती हूँ। देखो स्टिचिंग वालों की स्टिचिंग लूँगी तो उनको तो टाइम पे ही देने पड़ेगी मुझे, तो उनका काम तो मुझे करना ही करना है, तो मैं इतनी चीज़ों को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाऊँगी। अगर चाहूँगी तो कर भी लूँगी, लेकिन पता है मैं इतना टेंशन नहीं देना चाहती अपने दिमाग को कि मैं बीमार हो जाऊँ। और एक सीमा सूद जी हैं, उन्होंने बोला आप मतलब बच्चों को सिखाने लगो सिलाई, आप बच्चों को सिखाने लग जाओ। सीमा सूद आंटी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि बच्चों को सिलाई सिखाने लग जाओ, लेकिन आंटी पहले पता है सिखाने से पहले ना हमें बहुत सारी मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं दो चार बच्चों को भी सिखाऊंगी तो एक मशीन से काम नहीं चलेगा, मेरे पास खुद एक मशीन है तो कम से कम दो तीन मशीनें चाहिए, और जब मशीन चाहिए तो पैसा चाहिए। आप समझ सकते हो कि सारे काम पैसों से होते हैं, बिना पैसे के आजकल कोई भी काम नहीं होता है। और एक हैं सुमन राणा जी, रिया जी आप बुटीक खोल लो अच्छा चलेगा क्योंकि आपकी सिलाई अच्छी है। हाँ डियर मेरी सिलाई अच्छी है बट बुटीक के लिए पैसा चाहिए होता है, आपको पता है कि हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए। पता है इतना टाइम हो गया, मैंने अभी तक अपने लिए एक पैर वाली मशीन नहीं खरीद पाई है। मैं जब भी सोचती हूँ कि मैं अपने लिए पैर वाली मशीन खरीदूँ, उससे पहले ही मेरे को इतने सारे काम आ जाते हैं। आप लोगों को पता ही है कि पैसे देने वाला कोई है नहीं, और जो मैं कमाती हूँ उसमें कितने सारे खर्चे होते हैं जिनको मेरे को संभालना होता है। हाँ चलो मम्मी पापा खाने पीने का संभाल लेते हैं, लेकिन बच्चों की ट्यूशन फ़ीस, बच्चों के बहुत सारे खर्चे होते हैं। देखो जो मम्मी पापा होंगे उनको पता होगा
कि जिनके दो बच्चे होते हैं उनके बहुत सारे खर्चे होते हैं, ट्यूशन फीस हर महीने की जानी है, फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई के काफ़ी सारे सामान हो जाते हैं, कभी बच्चों के पास कोई चीज़ नहीं है, कभी कोई चीज़ नहीं है, तो मैं बहुत सारे खर्चे अपने आप खुद संभालने की कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके मैं मम्मी पापा पर प्रेशर नहीं डालती हूँ किसी भी चीज़ का, जितना हो सकता है वो करते हैं, जितना हो सकता है मैं करती हूँ। और मैं कोशिश करूँगी, आप लोगों ने बोला अगर मेरी YouTube से अर्निंग होगी तो मैं कोशिश करूँगी ये सब बच्चों को सिखाने का। मुझसे काफ़ी सारे लोग बोल चुके हैं कि आप सिखाया करो, आपकी सिलाई अच्छी है, और बहुत सारे लोग मुझसे ऐसे भी पूछ के चले जाते हैं, मैं मना नहीं करती हूँ, बता देती हूँ उनको। दीदी आप मोटर वाली सिलाई मशीन ले लो, बहुत जल्दी सिल लोगे। तो सॉरी मैं इनका नाम नहीं लिख पाई हूँ कि ये किसने बोला था, तो आप मोटर वाली मशीन ले लो, उससे आप जल्दी सिल लोगे। डियर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं एक मोटर वाली मशीन ज़रूर लूँगी। अगर मैंने मोटर वाली मशीन नहीं ली तो जो मेरी यही वाली हाथ वाली मशीन है मैं इसमें ही पैरदान लगवा लूँगी या मोटर लगवा लूँगी, इसी मशीन को मैं कर लूँगी। मैं ये भी काम करूँगी, बस थोड़े से पैसे आ जाए मेरे पास, मुझे ये काम भी करना है। और रानी कुमारी मेरी हैप्पी एनिवर्सरी है, अपने वीडियो में मेरा नाम लीजिए। कुमार है रानी कुमारी और राजीव रंजन जी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी आप लोगों को, आपकी शादी की सालगिरह बहुत 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 मुबारक हो। और एक सेकंड, मैंने आप लोगों के सारे सवाल लिख लिए थे। हाँ, और मेरे को दिख नहीं रहा है, तो मैं जब भी अब आप लोगों के सवाल पढ़ती रहती हूँ, मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं आप लोगों के सारे सवालों के जवाब दूंगी। और देखो परी क्या कर रही है। और प्लीज़ आज मेरा ब्लॉग लेट हो गया है, तो प्लीज़ इसे भी सपोर्ट करना, ठीक है ना। मैं कल अच्छा सा ब्लॉग लेके आऊँगी, क्योंकि आज मुझे बैंक में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, फिर काम वाम करके गई थी, क्योंकि पानी कल नहीं आया था, आज पानी आया था, तो कपड़े वपड़े धो के 2 दिन के कपड़े हो गए थे, फिर उसके बाद गई, फिर खाना पीना तो बच्चों के लिए मम्मी ने बना दिया था, और बस अभी भी आधा काम हुआ है, आधा काम मुझे करवाना है। वो पता है कि आप अकेले जाओ और आपको कोई चीज़ की नॉलेज ना हो तो प्रॉब्लम हो ही जाती है, तो बस कुछ ऐसे ही मेरे साथ है। लेकिन हाँ अच्छी बात है, अकेले जाएंगे तो अकेले करना सीखेंगे, और अच्छी बात है मैं अकेले जाती हूँ तो अब मैं अकेले और बहुत सारे काम करना सीख रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अकेले करना है तो मैं सारे काम सीख ही जाऊँगी। तो चलिए मैं थोड़ा सा खाना खा लेती हूँ और अपने इस ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ। बाय बाय।